हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्या आज हमें दिखाई से होगी आप लोग। तो यार ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे है, यानी जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया है, थंबनेल में भी देख लिया, टाइटल में भी पढ़ लिया कि कौन सी हम लोग क्या वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस टाइम सुपर चैट किस तरह अनेबल करनी है सही तरीके से, और लाइव स्ट्रीमिंग पर सुपर चैट आपने किस तरह अनेबल करनी है। पहले एक पार्ट बनाया था मैंने, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो वो वाली भी जाके। लेकिन ये वाली जो है, ये वाली इसकी अपग्रेड वर्जन है, उसके अंदर मैंने बहुत सी बातें नहीं बताई थी, लेकिन इसके अंदर मैं बहुत सी ब्रीफली बातें बताऊँ। तो वही सबसे पहले हम लोग अपने चैनल के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में चले जाते हैं। स्टूडियो में जाके मैं तुम लोगों को पहले एनालिसिस में बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करना होता है। अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, सबसे पहले तुम लोगों को चाहिए होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 का वॉच और टाइम, जिसके बाद तुम्हारा चैनल जाता है अंडर रिव्यू और तुम्हारा चैनल हो जाता है उसके बाद मोनेटाइज। अब उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, यहाँ से हम लोग किधर जाएंगे, सेटिंग्स पे। ये सुपर चैट अनेबल करने के लिए तुम्हें सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहला काम तुमने करना है सेटिंग्स में जाना है यूट्यूब चैनल के अपने। उसके बाद यहाँ से जाके कंट्री जो तुम्हारी रेजिडेंस होगी, कंट्री रेजिडेंस क्या कह रहा हूँ मैं, कंट्री रेजिडेंस जो होगी वो पाकिस्तान होगी, तुमने पाकिस्तान को उठा के इंडिया कर देना, US कर देना, कनाडा कर देना, कुछ भी कर देना जहाँ पे सुपर चैट अनेबल होगी। हमारे यहाँ पे अनेबल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, इस बात पे ना बहुत से लोग कहते हैं, मुझे एक भाई ने भी बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये इलीगल हो जाता तो आपका चैनल बैन हो चुका। यार इससे कोई बैन नहीं होता, मुझे खुद 1 साल हो गया चलाते हुए ये चीज़ करते हुए, लेकिन कोई फायदा कोई किसी ने पर नहीं मारा मेरे चैनल पर। ये कर लेना, उसके बाद तुमने इसको सेव कर देना और क्लोज़ कर दो चैनल का। तुमने टोटली हमने क्या किया, हमने अपना जो चैनल है ना वो हमने किसी और कंट्री के पे बना दिया। मोनेटाइज होने के बाद तुम लोगों का सबसे होता है, अगर तुम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो और गेमिंग वगैरह करते हो तो तुम लोगों को होगा कि यार सुपर चैट्स भी हैं। सुपर चैट्स अनेबल होती हैं मोनेटाइजेशन में। जब तुम्हारी मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाती है तो मोनेटाइजेशन टैब में इस तरह के तुम्हें ऑप्शंस मिलते हैं, एड्स, शॉपिंग, मेंबरशिप और सुपर्स। सुपर्स पर जाके यहाँ पर तुमने सिर्फ ये इस तरह का होगा, ठीक है, इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। तो तुमने इसको इस तरह का कर देना, इसको ऑन कर देना तुम लोगों ने। सबसे पहले हम इसको ऑन कर दिया तो उसके बाद आता है हमारे पास सुपर स्टिकर्स और सुपर थैंक्स का। ये ऑप्शन आता है तकरीबन कोई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या हद मार के यानी मैक्सिमम 7 डेज़ बाद, यानी विद इन वीक ये ऑप्शन हमारे पास अनेबल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। हमें इसको बस जिस तरह हमने सुपर चैट को अनेबल किया था, हमने इसको भी अनेबल कर देना। अब ये सुपर चैट अनेबल हो गया। अब यहाँ पर ये फॉलो बेस्ट प्रैक्टिकल्स बता रहा है, लेकिन हमने इसको नहीं करना, हमने इसको प्रैक्टिस नहीं करनी, सिंपल सी बात है, हमने कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने ये ऑन कर दिया ना, सुपर चैट ऑन कर दिया, यूर सुपर चैट एंड स्टिकर्स एक्टिविटी, नो सुपर चैट, यानी कोई अभी तक मुझे इतना आया नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद आपने ये जो क्रिएट देख रहे हो यहीं से आपने आगे जाना है, क्रिएट देख रहे हो, क्रिएट पर जाके गो लाइव पर जाना है। आपने गो लाइव पर चले गए हो, आपने एडिट के ऊपर जाना है, एडिट के ऊपर चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन सबसे पहले आपने यहाँ से ऑफ होगा, ये ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन कर देना और यहाँ पे डन कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेव कर देना इसको। उसके बाद आपने चले जाना है अपने डिटेल्स में। डिटेल्स में जाके आपने सबसे पहले काम करना है जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है, ठीक है, वो डाल देना है, टाइटल डाल देना है, उसके बाद पब्लिक कर देना है। यहाँ से गेमिंग जो है ना, गेमिंग सेलेक्ट कर, अगर गेमिंग का है तो गेमिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे गेम जो खेल रहे हो, जैसे मैं पबजी खेलता हूँ, मैं यहाँ पे पबजी खेलूँगा, पबजी लिख दूँगा, पबजी, ये लो पबजी मोबाइल आ गया, ठीक है। अब मैंने जो कर रखा है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है लाइव स्ट्रीमिंग के नाम से, जो लाइव स्ट्रीमिंग में ही रहेगी, ऐसे चैनल फारिग नहीं लगेगा। यहाँ से आपने कर देना इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है, ये लाजमी चीज़ होती है, वरना आपके चैनल पर ऐड्स नहीं आएंगे और आप उसके ऊपर स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये टैग्स, अगर टैग्स डाल दिए, उसके बाद आप चले गए सीधा इधर अलाउ एम्बेडिंग पे चले जाना है, अलाउ ऑल कमेंट्स पे और शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस थिंग, ये लाजमी करना है। फिर इसके बाद आपने सेव कर देना है एंड नाउ यू आर गुड टू गो। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये स्ट्रीम की, ये वाली जो स्ट्रीम की है, ये आपने दिखानी नहीं है किसी को भी, किसी को भी नहीं बतानी, ठीक है। ये आपने इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करना है। फिर आपने चले जाना है अपने OBS स्टूडियो में, OBS से जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जब आप चले जाओगे, जहाँ से आप भी करते हो ना, तो आउटपुट में जाके यहाँ से आपने हार्डवेयर सेलेक्ट कर लेना, अगर आपका हार्डवेयर कार्ड सपोर्ट करता है तो। फिर आपने चले जाना है स्ट्रीम में, स्ट्रीम में जाके आपने यूज स्ट्रीम की करनी है और यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है।
जो चीज़ हमने कॉपी की थी, उसके बाद अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग। अभी मैं नहीं करूँगा बिकॉज कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह ये काम हो गया आपका। यहाँ से ये देख रहे हो, ये मुझे ये भी आ गया, सुपर चैट का ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। सुपर चैट, सुपर स्टिकर दोनों मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। अब हमने क्या करना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तरीका कि आपने सुपर चैट करनी किस तरह किसी को। इसमें भी बहुत सारे पंगे होते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा, किस तरह करें, कौन सा वीपीएन यूज़ करें। भाई देख, मैं भाई देखो, मेरे पास ओपरा GX ब्राउज़र है, गेमिंग ब्राउज़र जो होता है, ठीक है। इसका मैं वीपीएन ऑन कर दूंगा, वीपीएन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, वीपीएन कनेक्टेड हो गया। और अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे किस कोई भी सर्च करते थे लाइव स्ट्रीमिंग गेम, ठीक है। अब कहाँ जाए, चलो इस पे चलते हैं। अब ये फुटबॉल का मैच कर रहे हैं, ठीक है, होप सो कि इसकी खुली होगी सुपर चैट। हाँ ठीक है, इसको हम पॉज कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, सुपर चैट है ना, यहाँ से हम हमारे पास ऑप्शन आ गए कि हम मेंबरशिप ले सकते हैं किसी की, अगर लेनी है तो सुपर चैट कर सकते हैं, अगर किसी को करनी है तो सुपर स्टिकर भेज सकते हैं अगर हमने किसी को करना है तो। सुपर चैट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने भेजना कितना है, 1 यूरो भेजना है, बाय एंड सेंड पे करो, कुछ भी लिखना है ना कमेंट में, कुछ भी लिख दो और उसके बाय एंड सेंड पे कर दो। उसके बाद ये आपका लोडिंग लेगा मेरे, इसके ऊपर आपने कार्ड डिटेल्स डालनी है, अगर आपका वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा कार्ड है, ये तीनों, इन कार्डों तीनों में से कोई भी अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल है तो आपने उसका कार्ड नंबर डालना है, वो डे मंथ डालना है, ईयर डालना है, CVC एक कोड होता है जो कि बार के आगे होता है, ठीक है, वो डालना है, बिलिंग एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो, ख़त्म। पोस्टल कोड आपको याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आपने बाय पे क्लिक कर देना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो मुझे डालनी थी वैसे सुबह थी, सुबह 10 बजे, लेकिन मैं डाल नहीं सका, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो अब इंशाल्लाह ये कल सुबह डल जाएगी, यानी जब तुम लोग देख रहे हो तो सुबह डलने की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो और चैनल को कर दो जाके सब्सक्राइब, मुझे नहीं पता कुछ भी करो, वो जो रेड कलर का आइकन है वो ग्रे कर दो, आई डोंट केयर जो करना है करो, लेकिन वो ग्रे हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसके ऊपर प्रेस कर देना, और भाई सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, लाइक किए बगैर मत जाना, और कमेंट में कर दो कैसी लगी वीडियो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो के भी नए नए मोनेटाइज हुए इनका चैनल। और हाँ, अभी बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस वगैरह और कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि भाई मोनेटाइजेशन अनेबल किस तरह करें, वो भी मैं करूँगा, टेंशन नहीं लेनी है अभी, बस इंशाल्लाह कल परसों तक उसकी भी वीडियो डाल देंगे, टेंशन ना लो, तुम लोग मज़े करो, चिल करो, इतने मेरी पुरानी वीडियो देख लो। और अगर अभी तक तुम लोगों ने आज़ादी मुबारक वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, यहाँ कहीं पिन हो जाएगी और शो हो जाएगी तुम्हें, तो जाके चेक करना, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय, टाटा।